दर्द का रिश्ता होता है। अगर भाई साहब ऐसे तो मैं उन्हें उनकी जगह पहुंचा दे रहा हूं, और उनके लिए बस एक ही जगह, पर वो जेल, अपनी ही माँ के कत्ल के इल्जाम में वो जेल, और उनके चाहने वाले खून की आंसू बहेंगे, खून की आंसू देखना, खून की आंसू। क्या दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पापा शामिल नहीं थे? खुशबू, खुशबू, वो वही बोलेगा जो मैं बुलवाऊंगा अपने हिसाब से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कहने सुनने का सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो कहती हूँ वो जमीन अपने नाम करवा लो और इस मामले को खत्म करो। ऐसे हवा में फायर करने से मछलियां नहीं मरती। वाह नैना वाह, क्या बात कही तुमने, बहुत अच्छी बात कही। अपने हिसाब से तुमको क्या लगता है कि मैं हवा में फायर करके मछलियां मार रहा हूँ अपने हिसाब से? नहीं नहीं, आप तो कबूतर मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? देखिए, मैं कहती हूँ कि हवा में फायर करने से ना कुछ नहीं लगेगा हाथ। जमीन अपने नाम करवा लीजिए। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है ना? तुम्हें नहीं मालूम ने ना, लेकिन मुझे मालूम है। इस बांके लाल शर्मा को मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है। बस इतना समझ लो कि जब तक ये जमीन मेरे नाम नहीं हो जाती, मुझे अपने आप को किसी के सामने नहीं लाना है ना, अपने हिसाब से। और ये जितना भी काम है ना, ये जमीन को अपने नाम पे करवाने का, वो सारा का सारा काम मैं एक वकील से करवाऊंगा। वकील से? कौन से वकील से? एक वकील है जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और मैं भी उसे जानता हूं। मनोहर भट्ट है उसका नाम। वो ऐसे काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, पैसे कुछ ज्यादा लेता है, लेकिन काम के मामले में बहुत ईमानदार है। वो मर जाएगा लेकिन मेरा नाम किसी के सामने आने नहीं देगा, अपने हिसाब से। अच्छा, हाँ, मनोहर भट्ट मेरा दोस्त है, अभी फोन लगाता हूँ। मोबाइल किधर है? हेलो। हाँ हाँ, वकील साहब बोल रहे हैं? मनोहर भट्ट साहब? हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। वो क्या है वकील साहब कि मुझे आपसे काम करवाना था, काम थोड़ा बड़ा है, करोड़ों का, उसमें आपका भी लाखों का फायदा हो जाएगा, लेकिन काम बहुत होशियारी से करना है, बहुत ईमानदारी से करना है, इसमें आपका बहुत फायदा हो सकता है अपने हिसाब से। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मुझे मेरी फीस चाहिए। काम तो बताइए क्या है। अजी फीस की चिंता छोड़ दीजिए वकील साहब। अरे 2-5-10 हजार की बात होती तो मैं आपकी फीस यूं ही दे देता। अरे मामला करोड़ों का है और लाखों का फायदा हो सकता है आपको। वही तो पूछ रहा हूँ, काम है क्या? किसी को जेल से छुड़ाना है क्या? वो क्या है वकील साहब कि पीलीभीत में एक जमीन है, और उस जमीन में से 20 एकड़ जमीन मेरे नाम पर करवानी है। अब उस 20 एकड़ जमीन की क्या कीमत है, उसका मैंने अगर आपको 2-3% भी दे दिया ना, तो आपके तो लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे अपने हिसाब से। मेरा रेट बाद में तय कर लेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला बताइए। जमीन किसकी है, किसके नाम पर है, और आपके नाम कैसे ट्रांसफर करवानी है? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि काम किस तरीके का है, और आप ही करवा सकते हैं अपने हिसाब से।
कितनी मासूम, कितनी भोली भाली थी मेरी खुशबू। एक बात बोलने से पहले चार बार सोचती थी, लेकिन अब तो जो पूर्णिमा की परछाई उस पर पड़ गई है कि कब क्या कहां कुछ बोल दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। तो तुम्हें खुशबू को संभालना चाहिए था। तुम्हें किसने कहा था कि खुशबू को पूर्णिमा के साथ रहने दो? अरे मुझे क्या मालूम था कि वो खुशबू को अपने जैसा बना दे। कल तक खुशबू को कुछ पता नहीं था तो बात और थी, लेकिन आज आज पूर्णिमा की वजह से खुशबू को सब कुछ पता चल चुका है, सब जान चुके हैं वो। तो फिर तुम्हें खुशबू को मुट्ठी में रखना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि अपनी जुबान ना खोले। मैं कह रही हूँ ना कि खुशबू को अब मुट्ठी में रखना मुश्किल। पूर्णिमा की आदत सीख चुकी है वो, कैसे चुप रखे हम उसको। कल किसी और से बात खुले या ना खुले, लेकिन खुशबू जरूर सारी बातें बता देगी। तो सरस्वती करना क्या है? तुम खुशबू को समझा नहीं सकती, उसे रोक नहीं सकती, उसे मना नहीं सकती। कैसी माँ हो तुम? सब करके देख लिया है मैंने, लेकिन पता नहीं उन माँ बेटी ने क्या खुट्टी पिला दी है मेरी बेटी को कि मुझसे ज्यादा उनकी बात सुनती है, मुझसे ज्यादा उन लोगों की बात मानती है। और आप देख रहे हैं ना कि मुझसे ज्यादा समय वो उन लोगों के साथ बिताती है। तो क्या जाकर मैं उन लोगों से कहूँ कि वो लोग खुशबू को समझाए कि उसे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। सरस्वती मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। इस लड़की से तो मैं परेशान होकर रह गई। अगर इसी तरह ये पूर्णिमा के पीछे लगी रही ना, क्या पढ़ेगी, क्या सीखेगी, न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे हम उसके लिए। लेकिन अब तो लगता है ये सारे सपने पूरे होंगे या नहीं। सरस्वती मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? यही कि खुशबू को इस माहौल से कहीं दूर भेज दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, किसी ऐसी जगह जो उसे इस घर के माहौल से दूर रख सके, जहाँ वो अपनी पढ़ाई कर सके, किसी काबिल बन सके। आप क्या कह रहे हैं, अपनी ही बेटी को अपने से दूर भेज देंगे? अरे यहाँ तो लोग दूर दूर से पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन तुम ही तो हमेशा कहती हो कि अगर खुशबू यहाँ रहेगी तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन हम खुशबू को भेजेंगे कहाँ? तुम्हारे भाई साहब काठमांडू में रहते हैं ना। मैं यही सोचा था सरस्वती कि खुशबू को हम उसके मामा के यहाँ भेज दें, वहां वो इस घर के माहौल से दूर भी रहेगी, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेगी और मामा मामी उसका ध्यान भी रख सकेंगे। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, खुशबू कहीं और नहीं रह सकती, भैया भाभी के यहीं रहेगी वो, उसे यहाँ से दूर भेज देना चाहिए और यही ठीक रहेगा उसके लिए। भावना, भावना। अरे आप दुकान नहीं गए? दुकान में भी कहां दिल लगेगा भावना, कहीं कुछ भी अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप परेशान मत होइए पापा, हम दादी माँ को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, दादी माँ का पता जरूर लग जाएगा। कल तक इस बात की उम्मीद थी चंदन, लेकिन अब मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है। अगर उस शख्स ने माजी को कैद करके रखा हुआ तो फिर हमारे ढूंढने से माजी मिल कैसे सकती?
वो जो कोई भी, उसने बहुत बड़ा खेल खेला मेरे साथ। वो खुद तो पर्दे में है, लेकिन मेरे मान सम्मान को दांव पर लगा दिया है। कैसे बचा सकूंगा मैं अपने मान सम्मान को? और पूर्णिमा की नजरों में तो मैं गिर चुका हूं चलता। पापा, आखिर उसे कैसे मालूम कि पूर्णिमा यहां आने वाली है? आप तो ये सोचकर आ रहे थे कि वो जमीन की फाइल हम पूर्णिमा के हवाले कर देंगे, पर आखिरी वक्त पर उसने रोक दिया। मुझे तो लगता है कि वो जो कोई भी है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और हमें अच्छे से पहचानता भी है। अब कोई गैर या अनजान आदमी इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकता। वो है तो कोई करीब का है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो हमारे करीब का है या उन लोगों के करीब का। अपने मान सम्मान और माताजी की जान को बचाने के लिए ये जानना जरूरी है। वो शख्स कौन है? कहाँ है? आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है नैना, कि ये दोनों लड़कियां खुशबू और पूर्णिमा उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया के बारे में जानती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया के बारे में जाने या उस तक पहुंचे अपने हिसाब से। आपके चाहने से क्या बात छुपी रह जाएगी? ये मुकुंद प्रसाद का मामला हमारे सामने तो अब आया है, लेकिन ये दोनों लड़कियां मुकुंद प्रसाद के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। समझ रहा हूं नैना, सब समझ रहा हूं। अब वो बात भी जानने लगी हैं ये दोनों, जिस बात का इन्हें पहले पता नहीं था। और ये बात भी जानती हैं कि उनकी दादी माँ मुकुंद प्रसाद चौरसिया के कब्जे में है, और मुकुंद प्रसाद की धमकियों ने उसका मुंह तो जरूर बंद कर रखा है, लेकिन उसका मुंह कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता। अपने हिसाब से सिर्फ पूर्णिमा ही नहीं, खुशबू भी सब कुछ जानती है। खुशबू लगती तो छोटी है, लेकिन उसका सब पता है। अब पूर्णिमा और खुशबू जो भी काम करती है ना, मिलकर करती है। तुमने एक बात बताई थी ना मुझे, कि केदारनाथ और सरस्वती खुशबू को कहीं भेज रहे हैं, ये बात सच है? और अगर अभी पूर्णिमा ने खुशबू को कुछ बताया भी होगा तो उसे ये कहा होगा कि वो अपनी जबान बंद रखे, चुप रहे, किसी को ना बताए। हाँ, खुशबू इसीलिए तो खामोश है, वो तो जा रही है यहाँ से। पर इस पूर्णिमा के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो तो यही रहने वाली है ना। सही कहा तुमने नैना, पूर्णिमा तो यही रहने वाली है, उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। मैंने वकील से बात तो कर ली है नैना, लेकिन उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमाया और सारी की सारी जमीन मेरे हाथ में आ गई। अरे भाई, इन गांवों में कुछ ना कुछ वक्त तो लगता ही है। अपने हिसाब से एक थोड़ा वक्त लगने की बात करोगे ना, तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि वकील से बात करो और 2 दिन के अंदर ये जमीन अपने नाम करवा ले। 2 दिन के अंदर काम करवाना है? अरे भाग्यवान, किचन में जाना, खाना बनाना और आराम से बैठ के खाना, अरे ये कोई खाने का काम नहीं है, ये कोर्ट कचहरी का काम है, जमीन जायदाद का मामला है। अरे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी, दफ्तर, हस्ताक्षर, पता नहीं क्या क्या। सब कुछ देखने, सुनने और समझने के बाद ही हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें काठमांडू जाना ही होगा। दर्द का रिश्ता होता है। अरे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी, दफ्तर, हस्ताक्षर, पता नहीं क्या क्या। अब तुम लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस खाना बनाया, खाया और हो गया। इसीलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि मेरी बात ना पकड़ के बैठ जाते हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी बात को समझ भी रहा हूँ, लेकिन
एक बात जो तुमने अभी कही कि पूर्णिमा तो यहीं रहने वाली है, और अगर पूर्णिमा ने जबान खोल दी तो हमारा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम पूर्णिमा पे नजर रखो, उससे बात करो, उससे उगलवाने की कोशिश करो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, मैं पूर्णिमा पर नजर रखती हूँ। और उस खुशबू के बारे में भी पता करो कि वो सचमुच बाहर जा रही है या सिर्फ बोला जा रहा है अपने हिसाब से। वैसे वो जाने के लिए मना तो जरूर करेगी, लेकिन मैंने सरस्वती को इस कदर उकसाया है कि सरस्वती खुशबू को भेज कर ही माने। अपने हिसाब से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लोग दूर दूर से दिल्ली पढ़ने आते हैं और हम लोग मुझे काठमांडू भेजना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो पढ़ाई के मकसद से आते हैं, और यहाँ पर आकर पढ़ाई करते भी हैं, लेकिन इस घर में रहकर तुम जो कुछ भी सीख रही हो ना वो पढ़ाई नहीं है खुशबू, इसलिए हम तुम्हें काठमांडू भेज रहे हैं। नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाओगी तुम? इस घर में रहकर तुम्हें बिगड़ने नहीं दे सकते हम। यहाँ ना तो तुम्हारी पढ़ाई होगी और ना ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। हाँ खुशबू, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। इस घर के माहौल को तुम देख ही रही, इस माहौल में तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती, कुछ बनना भी चाहो तो बन नहीं सकती। हम लोगों को तो ये लगने लगा है खुशबू कि इस घर का माहौल तो अब रहने लायक भी नहीं रहा। हम लोग भी तो यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कहीं और जाकर नहीं रह सकते। लेकिन हम तो तुम्हें काठमांडू तुम्हारे मामा के पास इसलिए भेज रहे हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। खुशबू, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग भी तुम्हारे आने की खबर सुनकर बहुत खुश हैं। और तुम्हें भी तो उन लोगों के पास अच्छा लगता है ना, पहले भी तो कई बार जा चुकी हो वहाँ। और वहाँ जाकर तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, वो लोग तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। बस हम लोग तुम्हें इस घर के माहौल से दूर भेजना चाहते हैं। और अच्छी तरह समझ लो खुशबू, सब कुछ देखने सुनने और समझने के बाद ही हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें काठमांडू जाना ही होगा, वहां तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। लेकिन पापा। बेटा, आना जाना तो लगा ही रहेगा, हम तुम्हें कोई ऐसी जगह थोड़ी भेज रहे हैं, तुम्हारे मामा का घर है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो, जब चाहो तब बात कर सकती हो, ठीक है ना? सुनो, तुम इसके जाने का बंदोबस्त करो, मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? माँ, देखो थोड़ी दिनों के बाद है ना, तुम जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। फोन कर रहे हो मुझे? पूर्णिमा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है चंदन,
मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम क्या निकले? मैं तुमसे नफरत करती हूँ चंदन, नफरत। पूर्णिमा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दीदी कब तक यूं घुट घुट के आंसू बहाती रहोगी? अगर दादी माँ का पता लगाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। दर्द का रिश्ता होता है। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। भगवान से दिन रात मैं बस एक ही दुआ मांगती हूँ कि मुझे तुम्हारी कभी याद नहीं आए। काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊं। पूर्णिमा नफरत करती हूँ चंदन, मैं तुमसे नफरत, समझे तुम? आइंदा से मुझे कभी कॉल मत करना। पूर्णिमा, पूर्णिमा, मैं तुम्हें याद भी नहीं करना चाहती चंदन, लेकिन इसका क्या करूं कि तुम्हें भूल भी नहीं पाती। मैंने नहीं सोचा था कि प्यार के नाम पर तुम एक परेड का खेल खेल रहे हो। नफरत करती हूँ चंदन मैं तुमसे, नफरत। दीदी कब तक यूं घुट घुट के आंसू बहाती रहोगी? अगर दादी माँ का पता लगाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मैं क्या करूं खुशबू, कुछ भी करने जाती हूँ तो एक डर लगता है कि अगर उस मुकुंद प्रसाद को किसी बात का बुरा लग गया तो वो दादी माँ के साथ कुछ बुरा ना कर दे। उसने आपको धमकाने के लिए चाहे जो कुछ भी कहा हो दीदी, पर इस बात का क्या मतलब था कि 15 दिन में दादी माँ घर वापस आ जाएगी? ये तो मैं भी नहीं समझ पाई खुशबू, इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो मुझे धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ वो मुझे ये कह रहा है कि 15 दिन के बाद दादी माँ घर पे आ जाएगी। दीदी अगर उसे दादी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था तो उसने उसी दिन दादी माँ को आपसे क्यों नहीं मिलवा दिया? उसने उसी दिन क्यों नहीं सौंप दिया? कुछ ना कुछ तो बात है दीदी, लेकिन अब जो कुछ भी करना है आपको अकेले करना होगा दीदी। आप पूर्णिमा दीदी से बात तो करिए, सब समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा इस घर में कितनी सच्चाइयां छुपी हैं। खुशबू तो बस इस बात पर अड़ी हुई थी कि अब तक जो राज छुपे हुए हैं उनका खुलासा होना चाहिए, घर में सबको पता चलना चाहिए कि किसने किसके साथ क्या किया है। पता है कल रात चंदन ने पूर्णिमा को फोन भी किया था,